बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हिंदी आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट है कि ईद उल फितर सऊदी अरेबिया में यानी कि ईद उल फितर सुबह यानी कि बुध वाले दिन होगी या फिर जुमेरात वाले दिन होगी। इसके मतलब अभी तक की जो भी इन्फॉर्मेशन आ रखी है वो आप भाई के साथ इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ। अगर मसाजिद की बात करें तो सऊदी अरेबिया में अभी तक भाई 20,569 मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज में मसाजिद मखसूस की गई है। 20,000 मसाजिद आई पूरी सऊदी जिनमें ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जाएगी। तो बात कर लेते हैं ईद उल फितर के मुतालिक। अगर माहरे फलकियात की भाई माने तो उनके मुताबिक सऊदी अरेबिया में ईद उल फितर जुमेरात वाले दिन होगी, यानी कि सुबह बुध वाले यानी कि रमजान के 30 रोजे होंगे। लेकिन इसके मुतालिक अभी चांद की लाइव सूरत आपको दिखाता हूं और उससे आपको अपडेट कर देता हूं कि क्या चांद नजर आ चुका है, ईद सुबह होगी या परसों, तो वो आप भाई को अभी मैं लाइव दिखा देता हूं। ये तो अभी मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको, आसमां के मनाजर हैं जी, ये अफ्तारी के फौरन बाद के मनाजर हैं। तो अभी तक चांद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और ना ही किसी सऊदी मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि आज चांद नज़र आने के आसार हैं। लेकिन अभी तक कोई भी हतमी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है तमाम तर माहरे फलकियात की तरफ से भी कि सऊदी अरेबिया में ईद जुमेरात वाली यानी कि सुबह भाई 30वां रमज़ान होगा। इस साल भी रमज़ान 30 रोज़े पूरे करेगा, तो हो सकता है ईद उल फितर जुमेरात वाले दिन हो। तमाम तर माहरे फलकियात यही कह रहे हैं और चांद भी अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आया है, जो कि आपको पता है पहले दिन का चांद सिर्फ चंद मिनट का होता है जो कि मगरब के फौरन बाद ही नज़र आता है। तो हो सकता है अभी इसके मुतालिक चंद ही मिनट बाद या आधे घंटे बाद ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कहा यही जा रहा है, कन्फर्म न्यूज़ यही बताई जा रही है कि सऊदी अरेबिया में ईद उल फितर जुमेरात वाले दिन होगी।